डेनमार्क के एमपी सिकंदर सदीक साहब का 5 अगस्त के हवाले से अहम ऐलान। उनका कहना था कि पिछले 70 साल से कश्मीर में जुल्म हो रहा है, 1,00,000 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया, 10,000 से ज्यादा औरतों की अजमतें लूटी गईं। उनका मजीद कहना था कि हम 5 अगस्त के दिन यूनानी पार्लियामेंट के सामने कश्मीरियों के हक और इंसाफ के लिए एहतजाज कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कश्मीरियों के हक के लिए 5 अगस्त को यूनानी पार्लियामेंट के सामने हमारा साथ देंगे। पिछले 70 साल से कश्मीर में जुल्म हो रहा है, 1,00,000 से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है, 10,000 से ज्यादा औरतों की अजमतें लूटी गई हैं और नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस बर्बरियत को जारी रखते हुए हर रोज कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहे हैं। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर चौधरी मूसा खान साहब और उनकी टीम के साथ हम 5 अगस्त के दिन ग्रीक पार्लियामेंट के बाहर नरेंद्र मोदी की फासिस्ट हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कश्मीरियों के हक के लिए, इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस प्रोटेस्ट में कश्मीरियों के हक के लिए नरेंद्र मोदी की बर्बरियत के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर 5 अगस्त के रोज हमारे साथ देंगे। रिपोर्ट मिर्जा रफाकत हुसैन, पाक टीवी, यूनान।